माँ आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। क्या क्या करती तू? अगर बीटेक करके नौकरी ना मिलती, पूरे 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिलगी। कम हो या करेगा 10,000 रुपए? पर किस तरह बेटा? अरे नौकरी लागण थी ना, रेफरेंस होना चाहिए। ये मतलब? अरे जिस तरह ब्याह में बिचौलिए नहीं हो या करे न्यूए। अच्छा चल, मैं तब बाद में फोन करूँ, मेरा ऑफिस आ गया। ठीक से? अच्छा क्या हाल है? काम कर ले। क्या माल है यो? अरे तू पागल हो गया क्या भाई? कैसी बातें कर रहा है, ये अपनी नई मैनेजर है? अरे तो फिर क्या हो गया, मैनेजर है तो माल तो है ना। अरे वैसे भी एम्प्लॉय हो या मैनेजर, माल तो माल हो गया करे। अरे इसके क्यों हो गया, यो क्यों उठ के चला गया? अरे कटन दे, काम कर तो। तू सर आपको मैम बुला रही है। मुझे? आपको नहीं, राजेश सर को। देखिया तेरे भाई में कुछ तो अलग बात है, जो माँ के अल्लाह मैडम ने भीतर बुलाया हूँ कैबिन में, ना तो इतने सारे बैठे हैं और कोई ना बुलाया। अरे भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है, अभी 2 मिनट में तेरे को डांट के बाहर भगा देगी। अरे कोई बात ना, जब उसकी तो डांट भी प्यार से खा लूंगा। तेरी शकल इसी एक जान का बना रही है नहीं सी। शट अप। देख मंदिर तो कुछ कही है, बुंडी शकल की काम कच्चे पोरी। अरे भाई कती जी सा आ गया मेरा तो भीतर जाके, मेरी तो कती डेट सी फिक्स होगी, युवराज ने मिलने का प्लान है, कती घी सा गल गया मेरा। अरे ओ ये क्या फालतू की बकवास लगा रखी तूने ऑफिस में है? अपनी लिमिट में रहकर और ये गंदी हरकतें छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। क्यों? तेरे बाप का ऑफिस है, साले में तेरा फालतू पंगे मत ले, ना फिट जाएगा। चल इधर आ देता है। अरे के फंड है इसका, क्यों खाम का दिमाग खराब कर रहे हो मेरा? अरे भाई पता नहीं क्या हो गया इसे, पुराने वाले मैनेजर के तो बहुत मजे लेता था, अब पता नहीं इतना क्यों बदल गया ये। गाइस मैं और आपकी मैनेजर किसी इंपॉर्टेंट काम से 2 दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं, तो मे भी हम आपके कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई ना कर पाए। सो तन्वी जब तक आप ही को पूरा ऑफिस संभाल रहे हैं। ऑल राइट एंड टेक केयर गाइस, लेट्स गो। अरे वाह इस बॉस की तकती मौज सी होगी, इब देखियो तुम इसके 2 दिन कितने मौज मकटेंगे, ना कोई कॉल और ना कोई मैसेज, इब तो पूरी मौज मारेगा बॉस। और भाई अब तो तुम खुद समझ जाओ, ये बॉम्बे नहीं गए, ये गोवा का प्लान बना के गए हैं जरूर। अरे यार मैं भी कहाँ इस ऑफिस में फंस गया, इस ताच्छत में भी अपने 3-4 प्लॉट बेच के इस ऑफिस के साइड में अपना एक ऑफिस खोल लेता और फिर उसमें बॉस बन के बैठ जाऊँ मैं, और फिर एक बढ़िया सी एम्प्लॉय फंसा के उन्हें गोवा ले जाता और फिर मौज काटता। शर्म नहीं आती क्या एक लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए? देसी गवार किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे? सही कह रहे हो तुम, ये गवार होते ही ऐसे ही ना, लड़कियों की इज्जत करने कहां आती है। तुमको क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी बोलूं उसके बारे में, तुम्हारी क्या लगती है वो? दीसा तुम उल्टा बोल रहे हो, मेरी बहन है और मेरी मंगेतर है वो। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी रिलेटिव है वो? मैं ऑफिस में इसलिए बता नहीं चाहता ताकि सबको ये ना लगे मेरा फेवर किया जा रहा है, लेकिन इसकी गंदी हरकतों की वजह से मुझे बताना पड़ा। तो मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, सच्चाई बताइए उसकी। देख अभी भी बदतमीजी कर रहा है, तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं, बिल्कुल इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें लड़कियों की। तेरे को तो आती थी ना लड़कियों की इज्जत करनी, मतलब? और तू तू एक लड़की होके भी लड़की की इज्जत नहीं कर पाई क्या? कहना क्या चाहता है तू? अब थोड़ी याद आएंगी तुम्हें अपनी बातें, आ चल तुम्हें फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। अरे
अरे देख तन्वी कितनी मस्त लड़की है, इसको तो मैं ही पटाऊंगा। तेरे से तो पट भी जाएगी, पूरे ऑफिस में तू ही तो सबसे स्मार्ट लड़का है। अटेंशन गाइस, आज गाइस मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे एक एम्प्लॉय की वजह से हमारी कंपनी का टर्नओवर सीधा डबल हो गया है और उसका नाम है सबरीना। क्लैप गाइस, नाइस वर्क सबरीना, एंड ऐसे काम करते रहना, वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड गाइस बैक टू योर वर्क। देख ली इसको तरक्की कर आज, जो चीज मैं 4 साल में नहीं कर पाई इसने 1 महीने में कैसे कर दी। बॉस की कैबिन में रुकती थी रात भर, तेर से क्यों नहीं फटी? क्यों? क्योंकि इसका बॉस के चक्कर चल रहा है। बहुत दिन दूर नहीं है आज एम्प्लॉय है, कल मैनेजर फिर मालकिन। सर आई हैव टू रिजाइन। बट क्यों? सर मुझे करना पड़ेगा। सबरीना आप बहुत टैलेंटेड हो, अगर आप ये जॉब छोड़ के जाते हो तो आप ही का टैलेंट वेस्ट होगा। सर इस देश में ना टैलेंट की कोई कदर नहीं है, अगर कोई लड़की आगे बढ़ती है तो लोगों को यही लगता है कि उसने कुछ गलत काम किया है, इसलिए आई हैव टू रिजाइन। हाँ तो तेरी क्या लगती थी वो, और वैसे भी वो थी ऐसी लड़की। बहन है वो मेरी, और जिस बॉस के साथ तुमने उसका नाम जोड़ रखा था ना, भाई मानती थी वो उसको, लेकिन तुम दो लोगों की वजह से ना एक इतना अच्छा टैलेंट खराब हो गया। अब वो घर से बाहर निकलने से भी डरती है, उसको लगता है कि पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। और जब एक लड़की लड़की को उल्टा सीधा बोलेगी तो इन जैसे लड़कों की हिम्मत तो बढ़ेगी ना। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक लड़की बस स्टैंड पे अकेली खड़ी है तो वो प्रोस्टिट्यूट है? अगर एक लड़की रात को देर से घर आ रही है तो वो प्रोस्टिट्यूट है? अगर एक लड़की दारू पी रही है सिगरेट पी रही है तो वो प्रोस्टिट्यूट है? अगर एक लड़की बाहर जाती है क्लब जाती है तो प्रोस्टिट्यूट है? सॉरी भाई, मुझे मेरी गलती रियलाइज होगी, मैं आगे से लड़कियों की इज्जत करूंगा। सॉरी यार, कहीं ना कहीं मैं भी भूल गई थी, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे बारे में भी कोई उल्टा बोल सकता है। तो यार इन लोगों को तो समझ में आ गई जो मैं इनको समझाना चाहता था, पर पता नहीं आप लोग ये बात समझ पाए हो या नहीं। तो यार अगर आप सच्चे भारतीय हो ना तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच पाए जो गंदी सोच रखता है। और हाँ एक बात और, लड़कियां ना आगे टैलेंट से पहुंचती है, बटन खोल के नहीं। लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले बंदी बोलते हैं। पर सिर्फ एक चीज ने मेरे तय रोक लिया बेरा है कि मेरा घर में भी एक बाणस है। हे गाइस, तो यार इस बार बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत से लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि कई लोगों का मानना अभी भी यही है कि अगर एक लड़की 10 बजे के बाद घर से बाहर निकले तो वो गलत है, अगर एक लड़की छोटे कपड़े डाले तो वो गलत है, अगर एक लड़की लड़कों के साथ बाहर घूमे तो वो गलत है। तो यार इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी आप सोच बदलना चाहते हैं, क्योंकि सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, रेड वाला बटन और बेल आइकन यार दोनों दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। बेटियों को मारते बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, सोच के रही तो जल्दी देश डूब जाएगा।